गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद श्रीवास्तव ने कहा कि बरसात के मौसम में वातावरण में शीतलता बढ़ जाती है, इस समय इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना रहती है तथा ऊपरी सतह का पानी पीने से बीमारी बढ़ जाती है। कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क लगाने से सर्दी जुकाम सहित अन्य बीमारियों से निजात मिल जाता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सीएचसी और पीएचसी से क्लोरीन की गोली लेकर पानी में डालकर पीने से इन्फेक्शन कम होता है। अधिक से अधिक इंडिया मार्का हैंडपंप का पानी पिए और स्वस्थ रहें। बारिश में अगर मास्क भीग जाता है तो उसे तत्काल बदल दें और दूसरे मास्क का प्रयोग करें और बीमारी और इन्फेक्शन से बचें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद श्रीवास्तव ने कहा, बरसात के मौसम में जब ह्यूमिडिटी मतलब कि वातावरण में शीतलता बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है, उस समय अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओरल इन्फेक्शन तथा पानी भी जो नल ऊपर के ऊपरी सतह पर लगाए गए हैं उनका पानी कंटेमिनेटेड हो जाता है। इसलिए दो ही चीज़ें, वाटर बॉर्न डिजीजेज को बचाना है तथा एयर बॉर्न डिजीजेज से बचाव करना है। इस समय यदि आप कोविड 19 के प्रोटोकॉल में जो आपको मास्क लगाना है यदि इसको लगाएंगे तो बरसात में होने वाली सांस की परेशानियों, सर्दी जुकाम से भी आप बचे रहेंगे। इस प्रकार मास्क इस समय आपको दोहरा फायदा करने जा रहा है। पानी के लिए अपने हर पीएससी सीएससी से आपको कोलीन की टैबलेट मिलती है। 20 लीटर पानी में एक कोलीन की टैबलेट डाल दें, सुबह उस पानी को दूसरे बर्तन में छान लें, उसका सेवन करें। जो भी नल हैं वो अपने प्रधान अपने नलों को क्लोरिनेट करा लें। सीएससी पीएससी के माध्यम से इस समय नलों के क्लोरिनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। साथ में ये भी है कि इंडिया मार्क 2 का ही पानी प्रयोग करें और जो नल 30-35 फीट पर पानी देते हैं उन नल के पानी का प्रयोग न करें। बासी चीज़ न खाएं। सबसे परेशानी ये है कि इस समय खाने के सामान जो रह जाते हैं उसमें बहुत महक नहीं आई होती लेकिन वो इन्फेक्ट हो गए रहते हैं, इसीलिए गर्म खाने की कोशिश करें, ठंडा खाना न खाएं। सर, मास्क लगा रहे हैं लोग, बारिश में मास्क भीग जा रहा है, गीला हो जा रहा है, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है गीला मास्क लगाने से? एक बहुत सीधी सी बात है, यदि कोई चीज़ भीग गई तो इन्फेक्टेड हो गया। तो इस समय ये तो इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है, यदि वो भीग गया है तो दूसरा मास्क लें और इस मास्क को साबुन से धो के डाल दें और सूखने के बाद ही प्रयोग करें।